अक्षय कुमार एक के बाद एक अपनी फिल्मों की शूटिंग खत्म करते जा रहे हैं। हाल ही में एक और जहां उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू की, वहीं उनकी फिल्म बच्चन पांडे आखिरी शेड्यूल पर पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार 200 लोगों के साथ बच्चन पांडे के एक सीन की शूटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए खास तैयारियां की गई है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में एक पूरे थिएटर को फिल्म के आखिरी दिन की शूट के लिए बुक कर लिया गया है और भीड़ दिखाने के सीन के लिए 200 लोगों की टीम भी तैयार की गई। फिल्म से जुड़े रिपोर्ट ने बताया कि 200 एक्टर्स का कोविड टेस्ट किया गया और फिर उन्हें बायो बबल में रखा गया। पूरी टीम का मंगलवार को एक और कोविड टेस्ट किया गया और नेगेटिव रिजल्ट आने के बाद वो 3 दिन की शूटिंग के लिए बच्चन पांडे की टीम में शामिल होंगे, जहां कीर्ति सानोन और अरशद वारसी ने थिएटर में अपने हिस्से की शूटिंग शुरू कर ली है। वहीं अक्षय कुमार खबर है कि जल्द ही टीम को ज्वाइन करेंगे। बात करें रिलीज डेट की तो दोस्तों कहा जा रहा है कि ये फिल्म 26 जनवरी 2022 में रिलीज होगी। फिल्म साजिद नाडियाडवाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2021 की शुरुआत में इसकी शूटिंग जैसलमेर में शुरू की गई थी। बच्चन पांडे में अक्षय कुमार एक गैंगस्टर के कैरेक्टर में दिखाई देंगे जो एक्टर बनना चाहता है। अरशद वारसी उनके दोस्त बने हैं। वहीं कीर्ति सैनन एक ऐसी जर्नलिस्ट बनी है जो डायरेक्टर बनना चाहती हैं। वहीं बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के सामने खड़े दिखेंगे अभिमन्यु सिंह, जो कई फिल्मों में अपने नेगेटिव कैरेक्टर को लेकर काफी तारीफ लूट चुके हैं। बता दें फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार और अभिमन्यु सिंह साथ दिखाई देंगे। साथ ही इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि साजिद नाडियाडवाला के साथ अक्षय कुमार की ये 10वीं फिल्म है। इससे पहले इस जोड़ी ने हाउसफुल सीरीज, मुझसे शादी करोगी, हे बीबी जैसी फिल्में दी। ठीक है जो दोस्तों, तो सभी की सभी फिल्में हिट साबित हुई थी। अब ये फिल्म बच्चन पांडे कैसी साबित होती है, आपको क्या लगता है बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म कैसा परफॉर्म करेगी, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें।